talk about your feelings. Okay? You need to talk about your feelings. It's very, very important. Pile 3. सबकॉन्शियस वैसे तो ब्लॉक नहीं है, सिर्फ आपका एक ही ब्लॉक में देख रही हूँ. इट्स लाइक कि यू आर फीलिंग वेरी रन डाउन, ठीक है, बिकॉज पीपल हैज ड्रेन्ड योर एनर्जी, सक्ड ऑल योर एनर्जी. वैसे कोई ब्लॉकेजेस में बहुत ज़्यादा देख नहीं रही हूँ, बिकॉज आपने बहुत ज़्यादा काम किया है अपने ऊपर, ठीक है. आप इन तीनों दोनों पायलों में से बहुत ज़्यादा एलिवेटेड सोल हो, बहुत ज़्यादा एलिवेटेड सोल हो, बहुत काम हो, मतलब बहुत बैलेंस्ड एनर्जी में फील कर रही हो, बहुत ही बैलेंस्ड, बहुत ही पेशेंट वाली एनर्जी में फील कर रही हो. इस पायल में से दुखी हो लेकिन फिर भी बैलेंस्ड हो, कंप्लेंस नहीं कर रहे हो. ओके, वंडरफुल एनर्जी. ऐसे एनर्जी में आने के लिए बहुत इनर वर्क चाहिए, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनर वर्क चाहिए, बहुत ही काम, बहुत ही बैलेंस्ड अलाइंड एनर्जीज. बहुत ज़्यादा कोई सबकॉन्शियस ब्लॉक्स नहीं है आपके, थोड़ा बहुत जो है, जो मतलब नेगेटिव चीज़ें आपके साथ हुई हैं, जो एनर्जी सक करके लोगों ने लिया है, उसके वजह से थोड़ा बहुत सबकॉन्शियस ब्लॉक्स हैं, थोड़े बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं. लाइक अगर आप थोड़ा सा अफर्मेशन करोगे या थोड़ा सा पॉजिटिव फील भी करोगे ना, विजुअलाइज करोगे, तो वो आराम से हो जाएगा. ओके, सो मुझे और कुछ एक्स्ट्रा मैसेजेस नहीं चाहिए गाइस, पाइल 3 आपके लिए और कुछ है नहीं, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी हील्ड क्वाइट अ लॉट. आई एम नॉट फीलिंग यूनिवर्स वॉन्ट्स टू गिव यू एनी मोर मैसेजेस, क्योंकि आप पहले से ही बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट, बहुत ही ज़्यादा एलिवेटेड सोल हो, और कुछ बोलने की आपको ज़रूरत ही नहीं है यूनिवर्स को, आपको पता है. सी बॉटम ऑफ द डेक विक्ट्री और हैप्पी फैमिली कार्ड का जो ये कार्ड है ना, बार बार मेरे सामने आ रहा है. देखो बार बार, तीन बार तो मेरे सामने आया. आपकी जो यूनियन होगी ना, जो शादी होगी आपकी जिसके पार्टनर के साथ, बहुत ही हैप्पी आपकी ज़िंदगी होगी. उसके बाद आपने जो भी झेला है ना, यूनिवर्स ने आपको जो बोला है कि आपने जिस चीज़ के लिए वेट किया है ना, जो हैप्पी फैमिली के लिए, सक्सेस के लिए, वो वर्थ इट है. क्योंकि आपको जो जब मिलेगा, जो भी मिलेगा ना, वो बियॉन्ड इमेजिनेशन होगा. क्योंकि देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के. तो ये थी पाइल 3 की रीडिंग, जिन्होंने ये टॉपिक चूज़ किया था. वंडरफुल रीडिंग सबसे, मतलब अभी तक तो ये पाइल मुझे बेस्ट लगा, क्योंकि ये पाइल बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड पाइल है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही एलिवेटेड सोल है, बहुत एलिवेट कर लिया आपने अपने आप को. वंडरफुल पाइल 3, मतलब आपने जो काम किया है ना, अपने आपने जो काम किया है, हैट्स ऑफ टू यू. सो नाउ कम्स टू पाइल 4, द लास्ट पाइल, हेवनली. You are my angel sent directly from heaven. Okay? So, देखते हैं ये पाइल. Hi पाइल 4. जिन्होंने heavenly card choose किया है, बहुत ही बिट्रेयल एंड डिसीट वाली एनर्जीज में देख रही हूँ आपके पाइल में. कुछ मेजर एंडिंग हुआ है आपके पाइल में. कोई रिलेशनशिप था, शादीशुदा रिलेशनशिप भी हो सकता है, बट आई एम सीइंग अ लव कनेक्शन ओनली. ओके, मतलब वो मैरिटल रिलेशनशिप भी हो सकता है, या ऐसे मतलब रिलेशनशिप हो सकता है, मतलब लव रिलेशनशिप हो सकता है. बट व्हाट आई कैन सी इज़ दैट वो एंड हो चुका है, और वो जो कनेक्शन था आपने बहुत इन्वेस्ट किया उसमें, लेकिन आपका जो पार्टनर था वो केयरिंग नहीं था.
केयरिंग नहीं था, लॉयल नहीं था, झूठा था, खुशियाँ नहीं थी फैमिली में, हैप्पीनेस नहीं था, बहुत ही ग्लूमी डार्क एनर्जीज, झूठ, डिसीट, ये सब कुछ था। आपने बहुत कोशिश की लेकिन इस रिलेशनशिप को ना आप बचा नहीं पाए। इस रिलेशनशिप में जब तक आप थे ना, सिर्फ आप अकेले थे, मतलब आपने सब कुछ दिया लेकिन आपको मिला कुछ नहीं बदले में, कुछ नहीं मिला। कोई केयर, कोई प्यार, कुछ नहीं। सारे मतलब ये सारे पाइल्स में मुझे ये दिख रही हूँ कि किसी को भी ना प्यार नहीं मिला। यहाँ पे भी मैं देख रही हूँ, जो आपने सारे हथकंडे अपनाए प्यार करने के लिए, सारे स्ट्रैटेजीज जो भी आपने आजमाए, सब फेल हो चुके हैं। मतलब ये जो इंसान आपकी ज़िंदगी में था, इतना टॉक्सिक, इतना डिसीटफुल, इतना डिसलॉयल था कि क्या बताऊँ, कोई भाषा ही नहीं। केयरिंग तो बिल्कुल भी नहीं था, बहुत बहुत ही झूठा, बहुत ही सांप जैसा डेंजरस ये इंसान था। लेकिन ये इंसान से, और इसकी इसके झूठ तो बोलता ही था और बहुत अब्यूसिव बातें भी आपको बोलता था, लेकिन वो हार्श लैंग्वेज, बहुत गाली देना, ऐसे कुछ माँ बाप को लेके भी, आई एम फीलिंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स, टॉक्सिक, वेरी टॉक्सिक, वेरी नास्टी, वेरी हार्श, वेरी रूड पार्टनर। एंड हो चुका है, लेकिन ये जो आपका पार्टनर है ना, ये इतना टॉक्सिक है कि आपको कोई नई रिलेशनशिप में नहीं जाने दे रहा है। अगर शादीशुदा है तो आप डिवोर्स के लिए अप्लाई तो आपने किया होगा या करना चाहते हो, लेकिन ये करने नहीं दे रहा है, ठीक है। और मैं आपको एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली कोई और एक इंसान है, लाइक यू नो, कोई अच्छा दोस्त या ऐसा कोई इंसान जो आपको पसंद करता है। टू मैन आर देयर इन योर लाइफ, एक डिसेप्टिव है, ठीक है, टॉक्सिक है, आपको छोड़ना नहीं चाहता, आपके साथ रह के आपको खुश भी रहने नहीं देगा, डिसलॉयल भी रहेगा, लेकिन आपको खुश रहने नहीं देगा, किसी और के साथ जाने भी नहीं देगा। आप जाना चाहते हो लेकिन आपको जाने भी नहीं देगा ये इंसान। लेकिन एंडिंग तो है, एंडिंग है, चेंज है। यहाँ पे 5 देख रही हूँ और यहाँ पे कार्ड में भी 5 है, 5 है यहाँ पे, यस, चेंज तो यहाँ पे है डेफिनेटली। आपके अंदर बहुत डर है, ठीक है, कि क्या होगा, नहीं होगा सोसाइटी की वजह से, ठीक है। हो सकता है आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहते रहते आपका किसी के साथ, कोई दोस्त के साथ आपका, आपके लिए आपको फीलिंग्स आ गई हो, जो कि बहुत नेचुरल है, ठीक है। डोंट थिंक अबाउट योर सेल्फ कि आप गलत कर रहे हो। टॉक्सिक ऐसे इंसान के साथ रहोगे तो दिल है ना, कोई अगर आपको सच्चा प्यार करेगा तो वो तो फील ही कर लेगा ना, इट्स वेरी नेचुरल। ऐसा बिल्कुल भी आप फील मत करना कि आप डिजर्व नहीं करते हो, कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे रिलेशनशिप से आपको बाहर निकलना है। और अभी इस वक्त ना यूनिवर्स आपको, आप बहुत मेडिटेटिव पोजीशन में हो अभी, एंड यू ट्राइंग टू लिसन टू द यूनिवर्स, यूनिवर्स इज ट्राइंग टू से, बहुत अकेला फील कर रहे हो, ठीक है। यही आपका सबकॉन्शियस ब्लॉक क्या है, आपका सबकॉन्शियस अभी ब्लॉक जो है कि आपके ज़िंदगी में जो ये एंडिंग हो रही है ना, एंडिंग हो रही है, आपको आपके आपके दिल में फिर भी डर है कि भाई मैंने फिर से मेरे ज़िंदगी में ये जो इंसान आया है आपके ज़िंदगी में या आएगा, तो कहीं ये भी वैसा तो नहीं हुआ। क्योंकि नए नए में जैसे होता है ना कि आपको लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा है, जैसे आपका ये पार्टनर भी था, तो आपको ऐसा डर है कि ये भी मेरे, मैं भी वैसे फिर से यही पैटर्न रिपीट होगा मेरी ज़िंदगी में, तो आप जाना नहीं चाहते हो। करेज जो है ना, वो करेज नहीं फील कर पा रहे हो, आपके सबकॉन्शियस में इतना नेगेटिविटी इस इंसान की वजह से हो चुका है, ठीक है। तो आपको डर है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ना जो ब्लॉकेजेस है, जो आपको ड्रीम आपका, जो आप जो चाहते हो, ब्लॉक जो कर रहा है, वो आपका यू नो डर है, फियर। बहुत अकेला फील कर रहे हो, लोनली,
actually not lonely, I would say. I would say like, you know, you are feeling rather, like, you know, अभी आप hermit mode पे हो, like, you know, you don't want to talk with anyone, you don't want to go out, socialize with people, ऐसा feel नहीं कर पा रहे हो, आपको मन नहीं कर रहा है socialize करने का, जो कि बहुत natural है. अभी इस state में आपको जो करना चाहिए आप वही कर रहे हो. अगर नहीं कर रहे हो तो करोगे, वो कि आप meditation में, मतलब यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करना. यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं, क्या गाइड, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, वो सुनना. आप वही सुनने की कोशिश कर रहे हो शांत होके. एंड आपकी जो एनर्जी अभी तक थी ना, इतनी सप्रेसिव, इतनी डिप्रेसिव, इतने दुख में थे ना, यूनिवर्स अभी बोल रहा है अभी आपका जिंदगी में टाइम आ गया जब आप अपनी जिंदगी में वो मजे लो, जिंदगी का मजा, वो प्लेफुल एनर्जी में रहो. राइट नाउ यूनिवर्स इज नॉट टेलिंग यू टू जस्ट जम्प इन टू अ रिलेशनशिप, बट यूनिवर्स इज टेलिंग यू टू हैव फन, गो आउट. ओके, हीलिंग के बाद, अभी नहीं, अभी नहीं, थोड़े बहुत हीलिंग के बाद जब आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट करेजियस फील करोगे इतना हार्श एंडिंग के बाद. ये पौधा देखा है आपने, एक पत्थर से कैसे उग रहा है ना, तो आप भी ऐसे ब्लूम करोगे. और कोई हेल्प करेगा आपके साथ, कोई एक जो है जो पहले किया हुआ है वो आपको हेल्प करेगा. सी, एक कोई दोस्त है, कोई एक इंसान, सॉरी, कोई एक इंसान है जो आपको हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा, आपको दिलासा, आपको सपोर्ट, आपको करेज, हिम्मत दिलाएगा, रोशनी दिखाएगा आपको कि हाँ, जिंदगी एंड नहीं हो गई है, एक रिलेशनशिप खत्म हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई है. पता नहीं मेरे, मतलब अचानक से आई गॉट अ चैनल मैसेज अबॉर्शन. ओके, किसी का हो सकता है अबॉर्शन भी हो गया है, मतलब इस टॉक्सिक रिलेशनशिप के वजह से अबॉर्शन भी हो गया है. एंड मतलब जिसके वजह से आप और भी ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो गए हो, मतलब लाइक आपने स्टर्न डिसीजन लिया है कि यहाँ से तो मुझे निकलना ही है. दैट इज़ वेरी गुड, जो भी हुआ है अच्छे के लिए हुआ है. ये चैनल मैसेज आया, ठीक है. यूनिवर्स इज टेलिंग यू राइट नाउ, आफ्टर दिस हीलिंग पीरियड, यूनिवर्स इज टेलिंग यू टू ट्राई समथिंग न्यू. अच्छा, आपको बहुत लोगों को हो सकता है यहाँ पे डांस करना बहुत पसंद हो, म्यूजिक, डांस अगर पसंद है तो प्लीज डू इट. म्यूजिक एंड डांस इज समथिंग यू लव, या गिटार बजाना, प्लीज कीप ऑन प्रैक्टिसिंग. मतलब ये अगर ऐसे कोई चीज है तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है प्लीज गो फॉर इट एंड प्रैक्टिस इट. एंड यूनिवर्स बोल रहा है, आपका दिल जो कह रहा है ना वो करो. अगर आपको दिल कह रहा है, आप किसी से प्यार आपको हो रहा है आपके दिल को, तो उसको रोको मत. आप क्यों रोक रहे हो? आपके सबकॉन्शियस माइंड का जो डर है वो रोक रहा है आपको, इसीलिए ना. पॉजिटिविटी कुछ नहीं आती, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चीजें हैं. बहुत पैथेटिक, बहुत तकलीफ एंडिंग है यहाँ पे. बहुत हैवी एनर्जी फील कर रही हूँ मैं पता नहीं, बहुत ज़्यादा फील कर रही हूँ यहाँ पे. शायद बहुत लोग, शादीशुदा लोगों ने ये पाइप चूज किया है, एंड शायद डिवोर्स के एंड में है. बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप था, अब्यूसिव टॉक्सिक रिलेशनशिप था, लेकिन आपका पार्टनर जो है ना आपको छोड़ नहीं रहा है, छोड़ना नहीं चाहता है. लेकिन रहकर डिसेप्शन में भी रहेगा, मतलब प्यार भी नहीं करता, ऐसा नहीं, ही लव्स यू नो. लेकिन आपका जो ये जिंदगी है ना, ये इट्स अ जर्नी. ओके, इट्स अ जर्नी, यू हैव टू गो थ्रू इट. इट इज अ जर्नी, यू हैव टू गो थ्रू इट. एंड आपने अपना बैग्स पैक कर लिया है, अभी टाइम है ये सब चीज़ एंड करके नई बिगनिंग का. फूल कार्ड भी है, जर्नी कार्ड भी मैंने बॉटम ऑफ द डेक देखा है. प्यार आपकी जिंदगी में डेफिनेटली आएगा, यहाँ पे है प्यार. यू आर लाइट, प्यार ही आपकी जिंदगी में प्यार आएगा, जो इंसान आपको यू नो ब्लूम करने में हेल्प करेगा, हिम्मत देगा, और यही इंसान आपका सपोर्ट, आपका बहुत अच्छा दोस्त बनेगा. एंड यही इंसान का प्यार आपको हील करेगा. बॉटम ऑफ द डेक भी मिला है लव.
इस टफ टाइम में कोई ऐसा इंसान आपकी जिंदगी में है? मैंने बोला दो मर्द, ठीक है, तो टू मैन आर देयर, एक तो आपका टॉक्सिक पार्टनर है, दूसरा कोई एक ऐसा इंसान है जो आपको बहुत हेल्प करेगा इस चीज में से निकलने में, ठीक है, ऐसे फीलिंग में से निकलने में बहुत हेल्प करेगा। हो सकता है आपके डिवोर्स के बाद मिले, अभी ना हो तो, लेकिन मुझे लगता है कि शायद अभी है, लेकिन अभी आप ऐसा कुछ फील नहीं कर रहे हो, लेकिन ये इंसान भी आपको सपोर्ट करना चाहता है आपके इस जर्नी में, आपके ऐसे टाइम में सपोर्ट कर रहा है बहुत ज़्यादा, बहुत स्ट्रांग दोस्त की एनर्जी में देख रही हूँ। उसके बाद ये इंसान आप उस इंसान का प्यार, उसके बाद ना जब आप जर्नी पे निकल जाओगे ना, एंड हो जाएगा ना पूरा, नई बिगिनिंग जब होगी ना, इस इंसान का प्यार ही ना आपको ताकत, आपको हील करेगा, और आपको ना जिंदगी में ये सिर्फ ऐसा नहीं है सिर्फ प्यार करेगा, आपको फिनेंशियली आपकी ज़िंदगी में स्टेबल होने में भी आपको हेल्प करेगा, आपके आपको समझाएगा कि नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, हेल्प करेगा आपको, आपको वीक बना के नहीं रखेगा। जो इंसान प्यार करता है ना किसी इंसान से, वो हमेशा चाहता है कि उसका पार्टनर, वो जिसे प्यार करता है वो स्ट्रांग हो, है ना? तो ये इंसान आपको स्ट्रांग बनाएगा, आपको करेज देगा, आपको सपोर्ट करेगा, हर वो तरीके से सपोर्ट करेगा। लेकिन आपका सबकॉन्शियस ब्लॉक ही सिर्फ एक ही है कि आपका डर, ये पास्ट रिले। आप इस इंसान को पसंद तो करोगे, प्यार तो आपको भी फील होगा, लेकिन आपको आपका डर ना आपको पीछे खींचेगा, जिसकी वजह से ना एक अच्छा बनता बनता रिलेशनशिप भी आप नहीं बना पाओगे, आपका ये नेगेटिव रिलेशनशिप में जो डर रहेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये कुछ मैटर करेगा, क्योंकि इस मैं तो एक ही चीज़ फील कर पा रही हूँ कि ये इंसान का प्यार आपको सब कुछ भुला देगा, आप हील हो जाओगे। फैमिली, ओ गॉड, सी डिडंट आई टोल्ड यू कि कोई न्यू पार्टनर, कोई पार्टनर है या आएगा? ओके मुझे तो लग रहा है ये इंसान आपकी जिंदगी में अभी भी है, लेकिन उस तरह से नहीं है, ठीक है, मतलब आपको भी ऐसी फीलिंग नहीं, उसको भी नहीं है, लेकिन आपको ये इंसान पसंद करता है। लेकिन बाद में जब आप इस रिलेशनशिप से निकलोगे, उसके बाद धीरे धीरे ये रिलेशनशिप ब्लूम होगा। आई कुड सी, अभी तो ऐसे कुछ नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ये रिलेशनशिप ब्लूम होगा, धीरे धीरे। और इस इंसान की फीलिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, आपकी होगी धीरे धीरे, उसकी उसके दिल में जितनी स्ट्रांग फीलिंग होगी उतनी नहीं होगी, आपको भी प्यार होगा, लेकिन आपका डर ना आपका आपके दिल में जो प्यार है वो ब्लूम करने नहीं देगा, ठीक है। ये पार्टनर जो है बहुत अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। प्लीज एक्सेप्ट दिस पार्टनर, प्लीज यूनिवर्स इज टेलिंग यू एक्सेप्ट दिस पार्टनर, एक्सेप्टेंस। और अपने आप को नीचा छोटा भी फील मत कराओ कि हाँ भाई मैं डिवोर्सी हूँ या मेरा रिलेशनशिप है, या अगर रिलेशनशिप किसी का नहीं है लेकिन फिर भी आपका अबॉर्शन हो गया है किसी वजह से, हो ही सकता है, तो आप अपने आप को छोटा फील मत करो। हो सकता है कि इस पार्टनर के साथ आपकी शादी नहीं हुई हो, आपका आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, आप प्रेग्नेंट हो गए एंड आपको अबॉर्ट करना पड़ा क्योंकि इसने सपोर्ट नहीं किया या ऐसा कुछ, तो आप बहुत इससे यू नो ब्रोक ब्रोक डाउन हो गए, ठीक है। तो ऐसी फीलिंग में देख रही हूँ। लेकिन इस पार्टनर के साथ ना आपकी हैप्पी फैमिली होगी, और कुछ का हो सकता है कि आपका शायद जो पिछला रिलेशनशिप हो शादीशुदा, उसमें आपके बच्चे हो, और इस पार्टनर के साथ आपका बहुत अच्छा रिलेशनशिप होगा, या ये हो सकता है या आपका जो ये न्यू पार्टनर है ये शायद पिछले शादीशुदा हो, ये डिवोर्स्ड हो, इनके दो बच्चे हैं, और फिर आपका आप दब एक साथ रहेंगे, आप दोनों का दो बच्चे, आप दोनों के ट्विंस हो सकते हैं, क्योंकि एक ही एज के दो बच्चे मैं देख रही हूँ यहाँ पे बोर्ड में, तो हो सकते हैं आपके ट्विंस हो इस पार्टनर के साथ। ओके डजेंट हैव टू बी, सबके लिए नहीं है।
और किसी किसी का तो पिछले शादी से बच्चे, लाइक यू नो, आपके ये इस नए पार्टनर का बच्चा हो सकता है पिछले शादी से, शायद ये भी डिवोर्स्ड हो, इसीलिए आपकी फीलिंग समझ सकते हैं ये। और कुछ कुछ का तो ये है कि यहाँ पे लाइक मैंने कैसे कहा, चैनल में जो मैसेज में मुझे बच्चे दिखाई दिए, लाइक सुनाई दी अबॉर्शन वॉल, कि अबॉर्शन हुआ है आपका, शादीशुदा नहीं थे, अबॉर्शन हुआ है उस, और ये पार्टनर ने आपको छोड़ दिया, डिसीड किया, लेकिन फिर भी आप, ये पार्टनर नहीं चाहता कि आप उसको छोड़ के जाओ। कमीना इंसान है, बड़ा कमीना इंसान है, बहुत ही टॉक्सिक, झूठा, बहुत ही डिसलॉयल, बकवास इंसान है। जो भी चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो ना कि कैसे क्या होगा, मैं इसके लायक नहीं हूँ, इसके बारे में मत सोचो, देर इज़ नथिंग टू वरी। अगर आपको सोच रहे हो कि डिवोर्स कैसे होगा, या मैं कैसे क्या ज़िंदगी में अपने जीऊँगी, इसके वजह से आप डिवोर्स नहीं ले पा रहे हो, या बहुत कुछ सोच रहे हो, मैं आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप कैसे तोड़ दो, या लोग क्या कहेंगे, ऐसे कुछ भी सोच रहे हो, ठीक है, रिलेशनशिप के वजह से, या आप रिलेशनशिप में यू नो जस्ट आप मैरिड नहीं हो लेकिन ऐसे कुछ हो गया है आपके साथ, तो ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना, डेफिनेटली लोग तो भला भला कहेंगे ही, मैं ये नहीं बोलूँगी लोग कुछ नहीं कहेंगे, लोग बोलेंगे ही, बट लोग बोलते ही हैं, सो प्लीज़ उनकी बात सुनो मत, यू आर इनोसेंट। ओके, ये कार्ड ना चारों पाइल में, तीनों पाइल में ही आया है, तीनों नहीं, चारों पाइल में ही आया है ये कार्ड, बार बार शफल करने के बाद भी कार्ड आया है। गिल्ट कैरी करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, अगर लगा है कि आपने बच्चे को अबॉर्शन, आपको अगर आप शादीशुदा नहीं हो या किसी भी बात की वजह से अबॉर्शन आपको हुआ है, आपको करवाना पड़ा, तो इसके वजह से आपको गिल्ट लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपने ऐसा कुछ ख़राब काम किया, आपके सर्कमस्टांसेस वैसे थे, एंजल समझते हैं, और स्पिरिट बेबी जो है वो भी आपको ब्लेम नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट ब्लेमिंग यू, डोंट हैव टू बी गिल्टी अबाउट इट। ओके, या प्लेफुलनेस एंड जॉय, दो बार यहाँ पे प्लेफुलनेस एंड जॉय का कार्ड है, आप बहुत ही दुखी, बहुत ही डिप्रेसिव एनर्जी में हो, प्लीज़ ऐसे मत रहो, क्योंकि नेचुरल है, मैं समझ रही हूँ, आई एम अ व्यूमन, आई डू अंडरस्टैंड। हार्ट चक्र हीलिंग होगा आपका, नीड टू हील योर हार्ट, मैंने बोला है कि जो भी इंसान है वो अच्छा है, लेकिन अभी टाइम आपको, अभी रिलेशनशिप में आप नहीं आ पाओगे, क्योंकि अभी आपको हील होना है, जो कि इट्स वेरी नेचुरल, ठीक है। और ये इंसान भी आपको बहुत यू नो इम्पेशेंट नहीं होगा, ये इंसान आपके साथ कि अभी 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 करना है सब कुछ, नहीं, ही विल बी वेरी पेशेंट विथ यू एंड ही विल हेल्प यू टू हील विथ हिज लव एंड अफेक्शन। सी ब्लेसिंग्स इन डिसगाइज, ये जो आपके साथ हुआ है ना, जो तकलीफ आप झेल रहे हो, जो आपके लिए एक एक बहुत दर्द है, वो एक ब्लेसिंग है एक्चुअली, क्योंकि अगर ये सब चीज़ नहीं होता आपके साथ तो आप इस टॉक्सिक इंसान के साथ निकल ही नहीं पाते। ये बहुत बड़ा कि जो हुआ है अभी इस वक्त, कुछ बड़ा, अभी बहुत ज़्यादा बड़ा हार्ट ब्रेकिंग जो आपके साथ अभी हुआ है, वो रीज़न, वो एक ब्लेसिंग है। अगर वो नहीं होता ना तो आप इस रिलेशनशिप से कभी नहीं निकलते, कभी नहीं, आपको उसकी इतनी हिम्मत होती ही नहीं। ये जस्ट लाइक होता ना कि एंड, लाइक टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी देख रही हूँ, लाइक इट्स एंड, हो गया, और कुछ नहीं हो सकता, खत्म, वैसी वाली एनर्जी। ये एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज है आपके लिए, नहीं तो आप निकल नहीं पाते। क्रिएटिव प्रोजेक्ट, मैंने कहा था कि ये जो इंसान आपके ज़िंदगी में आएगा, न्यू पार्टनर, ये आपको सिर्फ प्यार ही नहीं करेगा, आपको ज़िंदगी में ना स्टेबल होने में, इस्टेब्लिश होने में, फिनेंशियली, करियर में हेल्प करेगा। कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट में, या क्यों, मैंने पहले भी आपको बोला था, अगर आप लोग डांस में या म्यूजिक में, गिटार या कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो तो उसको प्रैक्टिस करो, और उसमें आप बहुत अच्छा बनोगे, ठीक है, बहुत अच्छा बनोगे, एक चैनल मैसेज है। एंड कोई ऐसा कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट में आप जाओगे जहाँ पे आप अपना क्रिएटिविटी एक्सप्रेस करोगे, एंड दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू शावर अबंडेंस। यूनिवर्स, इसके बाद ना आपने इतना कुछ झेला, यूनिवर्स आपको अबंडेंस शार करेगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा हील होने में, सब कुछ में,
लेकिन यू नो इट्स ओके, बिकॉज आपका जो ये नया पार्टनर है ना वो बहुत बहुत ही लविंग है, बहुत ही लविंग है डियर, बहुत ही लविंग, बहुत ही केयरिंग है. और यूनिवर्स बोल रहा है कि आपको इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आप यू नो नए रिलेशनशिप में निकले हो, आपका कोई अर्निंग नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप कैसे क्या करोगे. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. यू हैव गॉट द पोटेंशियल एंड योर पार्टनर इज गोइंग टू हेल्प यू इन दैट. योर न्यू पार्टनर, योर न्यू फ्रेंड जो आपका सबसे पहला अच्छा दोस्त बनेगा, वो आपको फोर्स नहीं करेगा कोई रिलेशनशिप में, नहीं. उसको पता है कि अभी आपको हीलिंग की ज़रूरत है, तो आपको ऐसा कुछ बोल के एम्बैरस नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं करेगा. वेरी वेरी जेन्युइन पर्सन, वेरी नाइस पर्सन. ऐसे इंसान को कभी भी ना डर के वजह से ना मत पीछे ढकेलना. अभी यूनिवर्स भी बोल रहा है अभी आप हील हो, अभी टाइम लो, ठीक है, लेकिन ये मत बोलना कि नहीं कुछ नहीं हो सकता है, उसको पीछे मत ढकेल देना. नहीं, ऐसा यूनिवर्स नहीं चाहता, ठीक है. यही आपका सबकॉन्शियस ब्लॉकेजेस है आपके पिछले रिलेशनशिप से, जो अभी आपने एंड किया या सोच रहे हो एंड कर रहे हो, तो यही आपका सबकॉन्शियस ब्लॉक बनेगा, ये हर्टिंग, ये जो बहुत बड़ा दर्द है, ठीक है. सो गाइज, दिस वॉज योर रीडिंग पाइल 4. आई होप इट रेजोनेटेड विथ यू. ये पाइल सिर्फ एक ही रिलेशनशिप का एक रीडिंग था इस पाइल में. कुछ मेजर आपने एंड किया है, एंड कर रहे हो, ख़त्म हो रहा है, लाइक यू नो जैसे हो रहा है ना कि डिवोर्स, आपने सोच लिया कि डिवोर्स देना है, तो इट्स लाइक दैट. एंड लाइक प्रोसेस सब कुछ चल रहा है, सब कुछ होने में भी टाइम लगता है, तो इट्स लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग. या कोई रिलेशनशिप में भी थे, वहाँ पे कुछ ऐसा कुछ हुआ है कि आप बदनाम हो गए, अबॉर्शन करना पड़ा, एंड बहुत कुछ. और आपको पता भी चला कि इंसान आपको प्यार भी नहीं करता है, डिसीटफुल मतलब है, लेकिन आपको छोड़ भी नहीं रहा है, मतलब बहुत क्योटिक सिचुएशन में हो आप, बहुत ही क्योटिक सिचुएशन में हो. बट एनी वेज गाइज, आपका जो दोस्त है, जो पार्टनर है, वो बहुत अच्छा होगा. नया पार्टनर जो है आपकी ज़िंदगी में, अभी भी आप जानते हो, लेकिन आपको ये नहीं पता है उसके दिल में लाइक कि ऐसा कुछ होगा आप दोनों में. जस्ट ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ योर्स, आप जानते हो, तो ये दोस्त जो है आपको बहुत सपोर्ट करेगा. एंड प्लीज़ इसको अपने से दूर मत करना, ओके. इसका प्यार आपको हील करेगा, बहुत हील करेगा, ओके. सो पाइल 4, दिस इज़ योर रीडिंग. आई होप इट रेजोनेटेड विद यू. प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो इन द बॉक्स इफ इट डिड, ओके. सो लव एंड लाइट टू यू गाइज. सब कुछ ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा. प्लीज़ बी करेजियस, डोंट स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम लविंग, ओके. एंड डोंट कैरी द गिल्ट दैट यू हैव डन समथिंग रॉन्ग. नो, आप इनोसेंट हो, यूनिवर्स बोल रहे हैं आप, ओके. जो गिल्ट कैरी कर रहे हो ना अपने आपके अंदर, वो गिल्ट कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है. यू आर गिल्टलेस, आप इनोसेंट हो, ओके. यूनिवर्स समझते हैं, आपकी स्पिरिट बेबी भी समझते हैं ये, ठीक है. लव एंड लाइट टू यू गाइज, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय.